प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार अभियान जोरों पर है। विगत दिनों पीएम नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता छत्तीसगढ़ में थे, तो आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है। राहुल आज महासमुंद पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में आम सभा लेकर भाजपा पर जमकर बरसे। राहुल ने कई मुद्दों पर केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार को घेरते हुए तीखा हमला किया। राहुल ने सबसे पहले छत्तीसगढ़ में सरकार द्वारा आउटसोर्सिंग के जरिए सरकारी पदों पर भर्ती का मामला उठाते हुए आड़े हाथों लिया और उन्होंने कहा कि प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगार हैं, यहां 60,000 शिक्षकों की कमी है, 2,000 लेक्चरों की कमी है, 3,000 आदिवासी स्कूल बंद हो चुके हैं। बीमार होता है, MRI की जरूरत होती है, एक्सरे की जरूरत होती है, हजारों रुपए जेब से निकालो, ऑपरेशन की जरूरत होती है, लाखों रुपए दो, किसके जेब में जाता है ये पैसा? हिंदुस्तान के सबसे अमीर 15 लोगों के जेब में जाता है। कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो हम आपका पैसा अनिल अंबानी को नहीं देंगे, विजय माल्या को नहीं देंगे, ललित मोदी, नीरव मोदी को नहीं देंगे। हम आपका पैसा अस्पतालों में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में डालकर आपके बच्चों का भविष्य बनाने का काम करेंगे। सरकार आएगी, अस्पताल में आपको लाखों रुपए नहीं देने पड़ेंगे, फ्री में हम आपका इलाज करवाएंगे, मुफ्त में आपको हम दवाइयां दिलवाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार आते ही आउटसोर्सिंग सबसे पहले बंद की जाएगी। आज गरीब का बेटा बेटी स्कूलों में जाने को मोहताज है। कांग्रेस की सरकार आने पर जनता का पैसा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, यूनिवर्सिटी में उपयोग किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार आने पर इलाज के साथ दवाई भी मुफ्त में वितरण किया जाएगा। RNN न्यूज के लिए किशोर कर की रिपोर्ट।